पर्दा जहां करे चाहिए लड़की बिटियन वहां पर्दा करे चाहिए। सास ससुर अगर मुंह देख लिए तो बड़ी बदनामी हो गए, उनके सामने घुंघट काटे ढाई हाथ, और जबकि 5-6 लाख रुपया लगा इस मुंह देख लिए तो बेइज्जती हो गए, और बेइज्जती जब जयमाला होते तब बदनामी नहीं होती। बने घोड़ पंथ बैठे हैं, 100 रुपया दे छुई के देख लियो, चाहे जो कोई हो उत्तर पूछी कोई नहीं तुम कहाँ हो, बस 100 रुपया दे हाँ धल लो खबर भी यहाँ ठीक तो है, गलत बताए तब कोई नहीं देखा, सब दूर से खीसा ही निकाल रहा है यहाँ दे बंदरिया बन रहा हो बैठ। अब घर में अगर बहुरिया घूंघट ना कह रहे तो गांव भर में टिल्लो गुहार बूढ़ा मचे उतरे एक बहुरिया हमारे बूढ़ा का दबत नहीं है, गलत बताए। ससुर के सामने अगर बहुरिया मुड़ ना मूंद है कोई बदनामी नहीं, क्योंकि वो है पिता। चित्र से नहीं चरित्र से प्रेम करो, मतलब दिल से प्रेम करिए, ये धोतिक पर्दस कुछ नहीं। मुंह घर में ना मूंदो कोई बदनामी नहीं। हम देखे ने ससुर सामने डाण हाथ घुंघट काढ़े और चौराहे पर बतासा हाउ हाउ कटे असर तो ना इंच रही ठेलुहा खूब देख इया अरे इया हद्या दिया कहो भाई इया हद्या सो अपने घर मौसी दिया घूम रही, तब बदनामी नहीं हो रही। तो पर्दा करो घर के बाहर, सास ससुर के सामने पर्दा ना करो कोई बदनामी नहीं, वो तो एक किस्म से बाप है भैया तुम्हारे लिए। कान है कि बेईमानी मक्कारी जो कुछ कही पैसे ठगी मुंह से कैसी वैसे बनाए तमाशा रुपया लुकवाए छुराए सब रखी से बहुरिये खातिन तो रखिस। मेरे बंधो ध्यान से सुनो, बसदेव बाबा आज कहते जमुना जी ने भगवान के चरणों को देखा, आखिर में जमुना जी की बात भी हो गई। भगवान ने जमुना से कहा जमुना चिंता ना करो हम तुम्हारे लिए गैया चराओ, तुम्हारे लिए हम गैया चराओ, और जमुना तुम परेशान ना हो हम तुमको अपनाएंगे। जमुना जी से भगवान ने वादा किया। बसदेव बाबा राती राता कहाँ पहुंच गए गोकुल में, अवसैत मारा गोकुल भवन के दरवाजा बंद खुल्ला, यशोदा मैया के बिटिया हुई है और यशोदा मैया को मालूम नहीं कि लड़का भागे बिटिया। बसदेव बाबा ने बालक को लटा दिया, बेटी को उठा लिया, लौट पड़े लौट पड़े। ऐसी जब लड़का गिरा तो सब बंधन कटत चले गए, वैसे जब बसदेव बाबा लौटे तो बंधन वह तना साफ जकड़ चले गए। इधर नंद बाबा की एक बहन थी, नाम सुने वो सुनंदा, ये नंद बाबा की बहन है। सुनंदा जी 6 महीना पहले आ गई, और कहते हैं कि जिनके घर में सुख पौती है नंद उनका घर सदैव आनंद, जिनके घर में सुख पौती है नंद उनका घर कब हो सब दिन रहते आनंद। हमारी लड़की बिटिया बहनी 4 दिन का आई, लड़ाई झगड़ा कह के विदा कह दो, मार पीट कह के विदा कह दो, बिचारी रुआवत चली गई फुनफुना बजावत है, घर में कबहो लक्ष्मी ना आई या ध्यान दे ले हो। नंद से और भौजई से ऐसे कोई नंद भौजई होती है गांव में तुम पता लगा लो, इतना बड़ा गांव है, दुए चार ऐसी निकर है बहनी बिटिया जो नंद भाभी में कबहो लड़ाई नहीं भय हुई, नहीं आगे मुंह ठोर भाई जरूर हुई बड़ी नीक कब कही नहीं है। लेकिन यशोदा और सुनंदा ये यशोदा मैया और सुनंदा से कबहू झगड़ा नहीं भा, जिंदगी में झगड़ा नहीं भा। सुनंदा दी 3 महीना पहले आ गई, यशोदा मैया नहीं जागी, नंद बाबा 4 बजे हनुमान जी के मंदिर में चले गए, माला घुमावे लाग हो तो लड़के होए तो लड़के होए बुढ़ापा सफल हो जाए। सुनंदा जी जागी तो देखी निका लड़का लाटा, सुनंदा जी की का समाचार सुनावे ढूंढे लगी भैया, देखी का हनुमान जी के मंदिर में नंद बाबा गुरिया घुमावे। सुनंदा बोली भैया, नंद बाबा बोले हाँ बहन। सुनंदा बोली भैया अगर बढ़िया दक्षिणा दिया तो समाचार बढ़िया दिया, और अगर दक्षिणा बढ़िया ना दिया तो सही समाचार गड़बड़ा दिया। नंद बाबा बोले बहन समाचार बढ़िया दियो दक्षिणा चाहे जो लो। तो सुनंदा जी गई और बाबा नंद के काने में बोली बाबा ए भैया घर में जाना थे कुआवा। नंद बाबा बोले कुआवा आवा। जैसे काने में बोले कि बाबा घर में जाना तो भैया कुआवा है बउआ।
जैसे बउआ कहा तो नंद बाबा एकदम कहला बुढ़ापा बन गया, वो हनुमान जी की कृपा बरस गए, हनुमान जी की बहुत दया हो गए। नंद बाबा दौड़ पड़े, दौड़ के आए, देखा बच्चे का जन्म, खुशियां का अंबार लग गया। दरवाजे पर ढोलक नगाड़ा बजने लगे, आ